तो वापस स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एमाइड। क्या एमाइड भी एसिड डेरिवेटिव है? हाँ, एसिड डेरिवेटिव्स उन सबको बोलते हैं जो एसिड में से OH हटा के ये अमोनिया का हाइड्रोजन ग्रुप जनरेट होता है। तो ये हमारे पास हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O NH2। बताइए ये कितने फंक्शन ग्रुप है, एक या दो? एक, वेरी गुड। और इसके लिए हम अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। फंक्शन ग्रुप, सफिक्स, प्रेफिक्स, IUPAC नेम, फंक्शन ग्रुप। तो आपने देखते ही समझ लिया कि यहां पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे लिए फंक्शन ग्रुप हो गया। सफिक्स यानी कोई बड़े भगवान है, यानी बड़ा फंक्शन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, कार्बे मोएल, ये प्रेफिक्स होगा, प्रेफिक्स। और हम बाद में लिखते हैं सफिक्स, ठीक है, कार्बे मोइल। और सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, एमाइड। और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बे माइट, सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे, एल्के नामाइट या एल्केन कार्बे माइट, हाँ या ना? ये दोनों ही बातों का ध्यान रखना है अपन को। तो एल्केन कार्बे माइट एमाइट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, NH2, क्या होगा इसका नाम, 1 2 3 4, चार कार्बन है, ब्यूटेनामाइट, ब्यूटेनामाइट। एक और एग्जांपल, NH2 डबल बॉन्ड ब्रोमीन, क्या होगा इसका नाम, नंबरिंग 1 2 3 4, फोर ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट टू इन नामाइट। दो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड, क्या क्या आ जाए जगह, क्या यहां पर दो फंक्शन ग्रुप है? हाँ, और एमाइड वाला फंक्शन ग्रुप छोटा है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ओइक से, 1 2 3 4, बस 5 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में लोकेंड में काउंट होगा। इसको गलती से भी 5 मत बोल देना, आ रहा है बात समझ में? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा आपके पास, 4 पे क्या बोलेंगे आप, कार्बे मोइल, 4 कार्बे मोइल। आगे ब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल, हाँ बोलो बेटा, NH2 पर। चलिए एक एग्जांपल ऐसा ही ले लेते हैं, ये लीजिए CH3, कुछ भी ले लो, वो तो ये H। तो हम नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां 5 हो गया, और 5 पे डबल बॉन्ड हो, और ये सीट यहां ऐसा हो, ठीक है, पक्का? तो अब आपके लिए ये 1 2 3 4, 4 पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ब्रैकेट, क्योंकि ये अब कॉम्प्लेक्स लोकेंट हो गया। तो
तो क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल कार्बे मोइल, एन मिथाइल कार्बे मोइल, बस ये ब्रैकेट क्लोज। अगर यहां मिथाइल इथाइल होता तो वो भी कर सकते थे, यहां आगे कुछ भी होता है एल्काइल ग्रुप आ जाता वो, एन मिथाइल कार्बे मोइल, बाकी तो वही नाम रहता, ब्यूटे नोइक एसिड। फर्क था पड़ता, एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइव, यही सीनियर फंक्शन ग्रुप होता, डबल बॉन्ड ओ एन सी एल, और यहां पर होता सी एच थ्री, और यहां डबल बॉन्ड, यहां ब्रोमीन। अब तो मजा आ गया। तो क्या बोलते, पहले इनकी नंबरिंग करते अपन, इसको पहले लिख देते एन, जैसे एस्टर में लिखते हैं ना पहले एल्काइल, वैसे ही इसको क्या लिखते हैं, एन क्लोरो, एन मिथाइल, ये सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लिखे जाते हैं पहले, एन क्लोरो एन मिथाइल, इसको खत्म रख देते हैं साइड में। अब आगे, एक दो तीन चार पांच छ, 1 2 3 4 5 6, एन क्लोरो एन मिथाइल, और हम लिखते हैं यहां पर थ्री ब्रोमो, फिर उसके बाद थ्री ब्रोमो हेक्स फोर इन। एमाइड सीधा सीधा दिखता है यहां तो, इनेमाइड। आ गई बात समझ में? तो ये कौन से नंबर का एग्जांपल हुआ आपके? फिफ्थ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अल्फाबेटिकल में ब्रोमो को पहले लिखना चाहिए, नहीं पहले एन वाले लिखाए जाएंगे, ये भले ही ये अल्फाबेटिकली पीछे आए या कम आए, लेकिन एन के साथ जो अल्फाबेटिकली हो रहा है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। एन क्लोरो और एन मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे? एन क्लोरो फिर एन मिथाइल, एन आएगा। और आप चाहो तो इसको ब्रैकेट भी बना देते हैं कुछ, फिर उसके बाद ये लिखते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये तो अभी लेटेस्ट रूल है, ये बुक्स में भी नहीं दिखता कि ब्रैकेट बना दो, हाँ या ना? चलें आगे। तो ये वाला पार्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा। एस्टर में भी मेरे को याद है, मैंने पहले ही बोला था, ये है प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रेफिक्स, और ये है फिर प्राइमरी प्रेफिक्स। तो ये वर्ड रूट से जस्ट पहले प्राइमरी प्रेफिक्स आएगा, फिर बाकी ही आएंगे, हाँ या ना? हम यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूं? मेथेनामाइड। मेथेनामाइड सही है। इसका क्या नाम लिया जाए? इसमें कार्बन नहीं काउंट होगा तो बेंजीन कार्बेमाइड, सही है। इसमें क्या नाम लिया जाए? इसमें बड़ा फंक्शन ग्रुप पे नंबरिंग यहां से होगी, 1 2 3 4 5 6, बोलो सही है? तो इसमें हमारे पास आएगा फाइव कार्बे मोएल साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स टू इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी है ना? अब तो आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? इसको देखते हैं, इसमें तो मैंने दुनिया भर की रंग बिरंगी डिजाइन कर दी है। सबसे पहले नंबरिंग यहां से होगी, 1 2, इनको प्रायोरिटी देनी है 3 4 5 6, क्योंकि सी डबल ओ एच के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। अगर एक भी सी डबल ओ एच इधर आ जाता तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाती, क्योंकि फिर सी डबल ओ एच के बाद कौन इंपॉर्टेंट है? दूसरा सी डबल ओ एच। समझ में आ रही है गणित? तो ये हमारे पास होता, लेकिन अब मल्टीपल आएगा। अब इन सबको अपन को अल्फाबेटिकली जमाना है, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा सही रहेगा टू ब्रोमो,
कार्बोनिल। एक काम खत्म हो गया, ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? मेरे ख्याल से 2, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो कार्बोनिल। अब कौन आएगा? मिथाइल, उधर मिथॉक्सी और इधर कार्बो कार्बेमाइड। तो कार्बेमाइड पहले आएगा, तो यार कार्बेमाइड पहले आएगा तो वो तो क्लोरो से भी पहले हो गया। हाँ बिल्कुल, चलिए एक बार लिख लेते हैं, नंबरिंग बाद में कर लेंगे। तो 5 कार्बेमाइड, समझ में? कार्बेमोइल, क्योंकि कार्बे मोइल, MOYL। तो कार्बे मोइल CA और ये CH, तो ये पहले आएगा। ठीक है, इसको बात पहले लिखेंगे। आगे वो है मिथॉक्सी और ये है मिथाइल, मिथाइल और मिथॉक्सी, मिथॉक्सी पहले आएगा इस पे अल्फाबेटिकली। ठीक है, मिथाइल आएगा पहले। चलिए 4 मिथाइल, मेथेनॉल नहीं आएगा, एथेनॉल आएगा। ये आएगा 4 पे, इथेनॉल, ऑक्सी। मिथाइल क्यों आएगा? वो एल्केनॉल अपन ने बढ़ाया था, बनाया था, तो इथेनॉल आ जाएगा, 4 इथेनॉल। तो ये बाद में आएगा यार, एम पहले आता है। अच्छा नहीं, सही है, ई पहले आएगा। तो 4 इथेनॉल ऑक्सी, बस खत्म। फिर आएगा 6, 6 में क्या आएगा? मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी कार्बे कार्बोनाइल कार्बोनिल, आगे खत्म। तो 2, 3, 4, 5, 6 सब कवर कर लिए अल्फाबेटिकली, बाद में जमा लेना आप। साइक्लोहेक्सेन बोलना शुरू कर दूं मैं? साइक्लोहेक्स, 2-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा था, हमसे यहां पर गलती हो रही थी, सही कर लिया पक्का। इधर देखिए, एक्चुअल में ये अलग ही तरह का नाम आ गया। यहां वैलेंसी बाकी है, इसका मतलब बाकी का हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे एन कॉमा एन डैश। कोई भी एक एन डैश हो जाता है, एन कॉमा एन डैश डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डैश डाई मिथाइल। बाकी 1, 2, 3 प्रॉप प्रोपेन, 1,3 डाई अमाइड। कितना सहमत है आप मेरे नंबर से? सही है, एन कॉमा एन डैश डाई मिथाइल प्रोपेन, 1,3 डाई एमाइड। सही है, अगर बीच में क्लोरीन फ्लोरीन होता ना, तो वो हमेशा इसके बाद लिखे जाते हैं, इसलिए ये रूल यहां पर ज्यादा इजी रहता है। कुछ समझ में आई मेरी बात? तो मैं सही हूं, बोलो यस। तो आपने 5 एग्जाम्पल कर लिए अलग अलग तरह के, लिखे हैं इसको।